नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा। आप देख रहे हैं टेक दिस वीक, जहां मैं आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराता हूं। तो इसलिए अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हुआ खास। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है रिलायंस जियो की, क्योंकि रिलायंस ने अपने टैरिफ प्लान्स अनाउंस कर दिए, जिसमें रिलायंस आपसे सिर्फ डेटा के चार्जेस ले रहा है, अदरवाइज एसएमएस और वॉइस कॉल्स के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं ले जाएगा, वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप ₹19 का रिचार्ज कराते हैं तो इसमें आपको सारी लोकल और एसटीडी कॉल्स फ्री मिलेंगी। आपको इसके साथ साथ इसमें लोकल और एसटीडी 4G वोल्टी कॉल्स भी फ्री मिलेंगी, पर उसमें आपका डेटा यूसेज खर्च होगा। इसमें आपको 100 MB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड डेटा होगा जो आप रात को यूज कर पाएंगे, 200 MB का वाईफाई डेटा मिलेगा, 100 SMS मिलेंगे एक दिन के, और इसकी वैलिडिटी होगी एक दिन की। और अगर देख लें, ₹499 वाला प्लान जो कि महीने भर चलता है, उसमें भी आपको लोकल एसटीडी कॉल्स फ्री मिलेंगी। ये लोकल एसटीडी कॉल्स आपको सभी प्लान में फ्री मिल रही हैं, आपको लोकल और एसटीडी 4G वोल्टी कॉल्स भी सभी प्लान में मिल रही हैं, पर आपका उसमें डेटा यूसेज खर्च होगा। ₹499 में आपको 4 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा रात के लिए, 8 GB का वाईफाई डेटा मिलेगा, 100 SMS मिलेंगे एक दिन के लिए, रिलायंस जियो की ऐप फ्री सब्सक्रिप्शन रहेंगी आपके लिए, पर उसमें डेटा यूसेज खर्च होगा आपका, और इसकी वैलिडिटी होगी 28 दिन की। ऐसे ही काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी प्लान्स की हमने आपको डिटेल दिखा रखे हैं, आप भी इनमें से एक प्लान चूज़ कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो SMS आपको फ्री मिल रहे हैं और जो लोकल और एसटीडी कॉल्स फ्री मिल रही हैं, ये सभी नेटवर्क पर फ्री हैं, आप किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सकते हैं, रिलायंस से वोडाफोन हो या रिलायंस से एयरटेल हो। और आपको बता दूं कि अगर आप रिलायंस का सिम कार्ड अभी लेने जाते हैं तो रिलायंस ने एक वेलकम ऑफर निकाला है, जिसके चलते रिलायंस आपसे 31 दिसंबर तक कोई चार्जेस नहीं लेगा, यानी आपको अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा, फ्री वॉइस कॉल्स मिलेंगी, फ्री 4G वोल्टी वॉइस कॉल्स मिलेंगी, फ्री SMS मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप रिलायंस की सभी ऐप्स को भी फ्री में यूज़ कर पाएंगे। रिलायंस की न्यूज़ यहीं ख़त्म नहीं होती, लगता है रिलायंस टेलीकॉम मार्केट पे पूरी तरह कब्जा करना चाहता है, और इसी के चलते रिलायंस ने स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्पेशल ऑफर निकाला है, जिसमें स्टूडेंट्स को 25% एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, यानी अगर आप 499 वाला प्लान चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 4 GB के ऊपर 1 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा, पर अगर आप 1499 वाला प्लान चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 20 GB के ऊपर 5 GB डेटा एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। इसके साथ साथ रिलायंस ने जियो फाई राउटर की भी दाम घटा दी, यानी हम आपको उसको खरीदने के लिए सिर्फ ₹1999 खर्चने पड़ेंगे। रिलायंस जियो फाई राउटर एक इजी टू कैरी अराउंड राउटर है, जिसमें आप रिलायंस का 4G सिम कार्ड डाल के इसको एक वाईफाई राउटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे आप 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2300 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि लगभग 6 घंटे तक सर्वाइव करेगी, और इसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं ताकि अपना डेटा सेव कर पाएं। फिटबिट फिटनेस ट्रैकर मार्केट में ऑलरेडी जगह बना चुका है, और इसी के चलते फिटबिट ने अपने 2 नए स्मार्ट बैंड्स निकाले हैं, जिनका नाम है फ्लेक्स 2 और चार्ज 2। फ्लेक्स 2 फिटबिट का अब तक का सबसे स्लिमेस्ट बैंड है, ये वाटरप्रूफ है और आप इसको रिस्ट के साथ साथ गले में भी पहन सकते हैं। बात करें चार्ज 2 की, तो इसमें आपको 1.5 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है और ये स्प्लैश प्रूफ है। फ्लेक्स 2 की कीमत है ₹9,499 और चार्ज 2 की कीमत है ₹14,999। रिंगिंग बेल्स भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अपने रॉयल्टी कार्ड के जरिए एक और खुशखबरी लेके आया है, और वो ये कि अगर आप इनमें से कोई भी रॉयल्टी कार्ड खरीदते हैं तो आपको फ्रीडम 251 फ्री मिलता है। इन रॉयल्टी कार्ड्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप 1 साल के अंदर रिंगिंग बेल्स का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर आप ₹500 वाला रॉयल्टी कार्ड लेते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ₹1,000 वाला रॉयल्टी कार्ड लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ₹2,000 वाला रॉयल्टी कार्ड ले रहे हैं तो आपको 15% तक डिस्काउंट मिल सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि 2,000 पहले रॉयल्टी कार्ड पे आपको 2 फ्रीडम 251 मिलेंगे, और अगर आप इस रॉयल्टी कार्ड को अभी बुक कराते हैं तो उम्मीद है कि आपको 31 दिसंबर तक फ्रीडम 251 मिल जाए। अब वक्त हो चला है सबसे बड़ी न्यूज़ का, यानी कि एप्पल आईफोन 7 और 7 प्लस का। जी हाँ, ये दोनों ही फोन 7 सितंबर को आखिरकार US में लॉन्च होने वाले हैं। एप्पल ने मीडिया इनवाइट्स भेज दिए हैं, अगर आप मीडिया इनवाइट्स को देखेंगे तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन दोनों ही फोन्स में से किसी एक फ़ोन में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी बज़। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी टेक्नोलॉजी की दुनिया से वाकिफ हो गए होंगे, पर फिर भी अगर आपकी इन न्यूज़ को लेकर कोई क्वेरी है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।